दोस्तों, सहारनपुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख जिला और शहर है, जो वर्तमान में अपनी लकड़ी पर शानदार नक्काशी और कपड़े के थोक बाजार के रूप में जाना जाता है। सहारनपुर एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर ने प्राचीन काल से कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सहारनपुर का नेहरू मार्केट थोक के साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर साड़ियों की ज्यादा से ज्यादा व्यापार होता है और लोग दूर दूर से खरीदारी करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कम दाम में अच्छी साड़ियाँ मिल जाती है। इसके अलावा सहारनपुर कृषि उपज जैसे आम और बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। यह सिर्फ खुद में एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। सहारनपुर की स्थापना 1340 के आसपास हुई और इसका नाम एक राजा सार रणवीर सिंह के नाम पर पड़ा। बाद में मुगलों द्वारा इसे सहारनपुर किया गया। ऐसा भी माना जाता है कि इस नगर का नाम सहारनपुर शाकंभरी देवी के मंदिर के कारण पड़ा, क्योंकि इस जिले में माता शाकंभरी देवी का प्रमुख शक्तिपीठ है, जिसका वर्णन प्राचीन वेद पुराणों में होता है। यह शहर शाह रणवीर सिंह एक जैन रईस द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने एक सेना छावनी की जगह पर वर्तमान शहर की नींव रखी थी। हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों की सीमा करीब स्थित शहर एक उपजाऊ कृषि क्षेत्र से घिरा हुआ है, जो भरपूर मात्रा में अनाज और फल पैदा करता है। कपड़ा, चीनी, कागज और सिगरेट के कारखानों के सहित विभिन्न औद्योगिक इकाई यहाँ पर उपस्थित है। ये राजधानी लखनऊ से लगभग 550 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 165 किलोमीटर और देहरादून से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। सहारनपुर शहर की पॉपुलेशन करीब 10 लाख है, जबकि पूरे जिले की पॉपुलेशन 40 लाख के आसपास है। सहारनपुर और उसके आसपास के क्षेत्र देखने के लिए बहुत सारे फेमस स्थान हैं, जैसे कि नंबर एक शाकंभरी देवी मंदिर। शाकंभरी का शक्तिपीठ सहारनपुर से 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कुछ कहानियों के अनुसार इस मंदिर में मौजूद मूर्तियों को यहाँ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। देवी शाकंभरी के बारे में कहा जाता है कि देवी ने 100 वर्षों तक तपस्या की, जिसमें वे केवल शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करती थी। ये भी कि उसने महिषासुर महादेवते का वध इसी स्थान पर किया था। इस मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषताओं से एक है शाकंभरी मेला, जो इस मंदिर में हर साल नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसके पास ही एक और मंदिर भी है, इसे भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे शाकंभरी देवी का रक्षक कहा जाता है। शाकंभरी मंदिर जाने से पहले इस मंदिर में जाना अनिवार्य है। नंबर दो, बाला सुंदरी देवी मंदिर देवबंद। देवबंद का शक्तिपीठ सहारनपुर और मुजफ्फरपुर नगर नेशनल हाईवे पर है। देवबंद का क्षेत्र देवी दुर्गा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कहा जाता है कि देवी दुर्गा के उन जंगलों में निवास करती थी जो पहले के समय में यहाँ मौजूद थे। इस कारण से इन वनों को देवी वन के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में देवबंद के नाम से जाने जाने लगा। इस शहर के पूर्व में देवी कुंड नामक एक प्राचीन झील स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने इस कुंड में ही मां असुर दुर्ग का वध किया था। इस कुंड के पास ही बाला सुंदरी का मंदिर मौजूद है, जिसे इस घटना की याद में बनाया गया था। नंबर तीन, नौगाज पीर। नौगाज पीर मुख्यतः शहर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक धार्मिक स्थान है। सहारनपुर के बाहरी इलाके में नौगाज पीर एक दरगाह और मंदिर का एक सुंदर संयोजन है, जो एक दूसरे के बगल में स्थित है। सभी समुदाय के लोग यहाँ आते हैं। ये सहारनपुर और देहरादून और हरिद्वार हाईवे पर स्थित है। नंबर चार, दाउल उलम देवबंद। दाउल उलम देवबंद में मुस्लिम समाज का एक प्रसिद्ध मदरसा है, जहां देश विदेश से कोने कोने से छात्र इस्लामी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहां छात्रों के लिए सुविधाजनक छात्रावास और एक बहुत सुंदर मस्जिद भी है। नंबर पाँच, बोटनिकल गार्डन या कंपनी गार्डन। सहारनपुर का बोटनिकल गार्डन भारत का सबसे पुराना बोटनिकल गार्डन है, जिसे लगभग 1750 में स्थापित किया गया था। इस गार्डन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। आज के समय में सहारनपुर का ये बोटनिकल गार्डन कलकत्ता के बोटनिकल गार्डन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ की वनस्पतियों और पौधों को रिसर्च एंड साइंस में शामिल किया जाता है। यहाँ के कई पौधों और वृक्षों पर अनेक शोध किए गए हैं। इसके अलावा औषधीय पौधों पर भी रिसर्च की जाती है। नंबर छह, अंबेडकर पार्क एक तरह का स्मारक है। एक खूबसूरत प्राकृतिक उद्यान है, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खास पसंद आता है। सुबह और शाम के दौरान आप यहाँ लोगों को व्यायाम करते हुए और बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं।
नंबर 7 बाबा श्री लालदास। सहारनपुर में एक अनूठा धार्मिक स्थल है जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को आकर्षित करता है। ये बाबा श्री लालदास की स्मृति में बनाया गया है जो कि मुगल काल के दौरान के पीर थे और ध्यान यानी कि मेडिटेशन पर ज्यादा जोर देते थे। उनके ध्यान की चर्चा मुगल काल में काफी प्रसिद्ध थी और मुगल शासक दारा सिकोई ने भारतीय संस्कृति के पक्ष को स्वीकार किया था। इस मेमोरियल को उसी जगह पर बनाया गया था जहाँ पर वो ध्यान लगाया करते थे। ये स्थान सहारनपुर बस स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर उत्तर में चिलकना रोड पर स्थित है और इसे लालवाड़ी के नाम से जाना जाता है। आप सहारनपुर तक वायु, रेल और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ का सबसे निकटतम एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सहारनपुर में क्या क्या पसंद है और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।